गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स का जो ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट इसमें बेटा आज का टॉपिक मैंने लिया है रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर आप सबको पता है मेजरिंग में यानी कि लेंथ नापने में सबसे पहले मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था सेंटीमीटर उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया मीटर ठीक है इसका मतलब ये छोटा भाई हो गया ये बड़ा भाई हो गया ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही ना इनके बीच में तो आज हम उसी रिलेशन की बात करने जा रहे हैं देखिए बेटा आप लोग ध्यान से देख रहे हैं पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है यस ऑफ कोर्स दिस इज सेंटीमीटर स्केल एंड दिस इज मीटर स्केल कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बेटा कि जो मीटर स्केल होता है वो जीरो सेंटीमीटर से शुरू होता है और हंड्रेड सेंटीमीटर में फिनिश होता है इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस स्केल से नापोगे और जीरो से हंड्रेड तक नापोगे तो एक बच्चा कह सकता है कि ये कितना सेंटीमीटर है हंड्रेड सेंटीमीटर अब क्योंकि इसमें स्केल एक बार हमने यूज किया कितनी बार एक बार स्केल यूज किया एक ही बार में जीरो से हंड्रेड तक हमने नाप लिया तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं वन मीटर क्या कह सकते हैं वन मीटर क्योंकि मीटर स्केली तो है स्केल एक बार यूज हुआ तो चलिए क्या रिलेशन आपको समझ में आया Sure आपने जो वीडियो कल अपने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बना के भेजे मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब बच्चों को समझ में आ गया है आइडिया आ गया अनुमान आ गया है जैसे कि हम बड़े लोगों को होता है आप लोग भी हमारे इक्वल हो चुके हो कि हंड्रेड सेंटीमीटर कितना होता है है ना? तो चलिए वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर इसे और अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। सपोज बेटा, मैंने आप लोगों को कहा आपको एक, एक दरवाजा नापना है अब दरवाजे के नापने के लिए आप बताइए क्या यूज करेंगे सेंटीमीटर स्केल या मीटर स्केल बताइए ये करेक्ट हम लोग यूज करेंगे मीटर स्केल क्यों क्योंकि डोर की लेंथ ऑफ कोर्स डोर की लेंथ लंबी होती है डोर बहुत लंबा होता है सेंटीमीटर स्केल से बार 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 सेंटीमीटर स्केल रिपीट करते हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटर एक लंबा वाला स्केल ले लेते हैं मीटर स्केल तो चलिए अगर आपने नापा और इमेजिन करिए वो आया आपके पास टू हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि स्केल को आपको दो बार यूज करना पड़ा ये मीटर स्केल आपने एक बार ऐसे किया फिर निशान लगाया दूसरी बार यूज ऐसे किया तो ये आ गया आपके पास टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो चलो आपकी टीचर ने आपसे पूछा बताइए डोर की लेंथ क्या है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा था और उसका नाम था रोहित रोहित क्या बोलता है मैम से मैम मेरे डोर की जो लेंथ आई है वो आई है टू हंड्रेड सेंटीमीटर कितना बताया उसने टू हंड्रेड सेंटीमीटर डोर की लेंथ आई अब रोहित की बहन भी उसी की क्लास में पढ़ती थी उसकी बहन का नाम था सीमा सीमा ने बोला मैम मेरे डोर की लेंथ आई है टू मीटर कितनी बताई टू मीटर देखिए दोनों भाई बहन है एक ही घर में रहते हैं और एक ही डोर को मेजर किया लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है रोहित ने बोला टू हंड्रेड सेंटीमीटर सीमा ने कहा टू मीटर तो बताइए दोनों में से कौन राइट है कौन रोंग है बताइए स्टूडेंट्स सोचिए सोचिए बिल्कुल सही दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है और उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है सीमा ने सोचा क्योंकि उसने मीटर स्केल यानी कि ये लंबा वाला स्केल यूज किया था उसने एक बार मीटर स्केल क्योंकि ये मीटर स्केल वन मीटर का है कितने मीटर का है वन मीटर का ये स्केल है तो अब उसने जब स्केल लगाया यहाँ पे तो एक बार स्केल यहां से यहाँ तक और एक बार यहाँ से यहाँ तक तो स्केल को टू टाइम्स यूज हुआ स्केल कितनी बार यूज हुआ टू टाइम्स एक स्केल वन मीटर दो बार यूज हुआ तो टू मीटर कोर्स सीमा बिल्कुल करेक्ट है क्या रोहित भी करेक्ट है बिल्कुल रोहित कैसे करेक्ट है रोहित ने देखा रोहित ने पहले इस स्केल को यहाँ से यहाँ तक लगाया उसने देखा ये है जीरो ये है हंड्रेड यानी कि हंड्रेड सेंटीमीटर तो हो चुका रोहित ने अपने माइंड में सेट कर दिया कि हंड्रेड सेंटीमीटर हो चुका फिर उसने प्लस कर दिया फिर स्केल को दोबारा यहाँ से यहाँ तक लगाया फिर जीरो फिर हंड्रेड एक और हंड्रेड हो गया तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि टू मीटर इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो आपको एक बात समझ में आ रही है बच्चों कि जैसे कि वन मीटर में वन हंड्रेड सेंटीमीटर उसी तरह से टू मीटर में टू हंड्रेड सेंटीमीटर चलिए अब ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज हम लोग इसमें कर लेते हैं यूनिट कन्वर्जन की है ना देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपके पास कुछ इस तरीके से आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स वन मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर तो बताइए वन मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर यू विल से वन मीटर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर टू मीटर इक्वल्स टू टू मीटर मीन्स मीटर स्केल को दो बार यूज किया एक बार में हंड्रेड दूसरी बार में टू हंड्रेड वैसे ही थ्री मीटर मतलब स्केल मीटर स्केल थ्री टाइम्स यूज हुआ है एक में हंड्रेड दो में टू हंड्रेड थ्री में थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर उसी तरह से मीटर में क्या हो जाएगा बताइए बताइए स्टूडेंट्स. एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर तो सेवन में सेवन मीटर में कितना हो जाएगा इसका मतलब सेवन मीटर इन

फिफ्टीन मीटर एटीन मीटर ट्वेंटी मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या कर दोगे उस मीटर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ट्वेंटी सिक्स इंटू हंड्रेड आपको पता है तो आई एम श्योर सभी को आती होगी हंड्रेड वन जा हंड्रेड हंड्रेड टू जा टू हंड्रेड हंड्रेड थ्री जा थ्री हंड्रेड मतलब लास्ट के दो जीरो लगाने पड़ते हैं बस आगे से हंड्रेड को ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है ना तो चलिए स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको इस कन्वर्जन समझ में आ गया होगा अब ऐसे ही आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बस ध्यान रखिएगा जिस भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है जिस भी मीटर को अगर मैंने दे दिया नाइन्टी फोर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो क्या बताया मैंने क्योंकि वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं इसलिए 94 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है अभी क्योंकि मल्टीप्लाई आपके पास आया नहीं है मैंने सिखाया नहीं बस जैसे 100 की टेबल पढ़ते हैं वैसे ही 94 के आगे डबल जीरो लग जाएंगे तो ये हो जाएगा नाइन्टी सेंटीमीटर आज के लिए इतना ही थैंक यू